लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हत्या और हमले की वारदातें बढ़ गई हैं। चुनाव बाद बढ़े इस हिंसक हमले में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता हुई है, वहीं कईयों पर जानलेवा हमले हुए हैं। आज इसके खिलाफ बीजेपी ने देश भर में आंदोलन किया और ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान ममता बनर्जी शर्म करो, हिंसा का खेल बंद करो के नारे भी लगाए गए। मुंबई में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जहां विरोध जताया, वहीं नई मुंबई में बीजेपी नेता संदीप नाइक ने बैनर थामे आंदोलन किया। बीजेपी नेता संदीप नाइक ने कहा कि बंगाल में जिस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुलेआम हत्या हो रही है, वह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी ने बहुमत हासिल कर आज दूसरी बार सरकार बना ली। हालांकि इस चुनावी जीत के बाद जिस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बंगाल में जानलेवा हमले और हत्या की वारदातें हुई हैं, वह शर्मसार करने वाली हैं। आज बीजेपी ने इसके खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी शर्म करो, हिंसा का खेल खत्म करो का नारा देते हुए अपना विरोध जताया। मुंबई में पूर्व सीएम और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने हाथों में बैनर थामे विरोध जताया। वहीं नई मुंबई में बीजेपी नेता संदीप नाइक ने पदाधिकारियों के साथ ममता बनर्जी के खिलाफ रोष जाहिर किया। नई मुंबई के बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने भी अपने आवास पर प्रदर्शन किया। वहीं पनवेल में भी रायगढ़ उत्तर के जिलाध्यक्ष प्रशांत ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा के युवा नेता संदीप नाइक ने कहा कि जिस तरह बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुलेआम हत्या हो रही है, वह लोकतंत्र की हत्या का सबूत देता है, इसलिए इसे तत्काल रोकने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल मधील घडलेला हिंसाचार हा लोकशाहीला काळीमा फसणार आहे। निवडणुका एक लोकशाहीची प्रक्रिया आहे। निवडणुका झाल्यानंतर अशा पद्धतीने ज्या राज्यामध्ये सुसंस्कृतपणा आहे, देशामध्ये स्वतंत्र सैनिक, अनेक विचारवंत, अशी अनेक चांगली व्यक्तिमत्व पश्चिम बंगालमधून आपल्या देशाला मिळाली आणि अशा राज्यामध्ये निवडणुकांनंतर सुडीचं राजकारण करणं, महिला भगिनी कार्यकर्ते आणि झालेली जाळपोळ, खून, मारामाऱ्या या खरोखर लोकशाहीला शोभणाऱ्या नाही आहेत। मी पश्चिम बंगालमधील या घटनेमुळे ज्या प्रकारचं वातावरण संपूर्ण देशामध्ये निर्माण झालं आहे, संपूर्ण जग या घटनेकडे बघत आहे, त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसनी ही केलेली घटना ही आपल्याला देशातील लोकशाहीला घातक आहे आणि काळीमा फासणारी आहे। आम्ही तीव्र शब्दामध्ये या घटनेचा निषेध करतो। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।